हरदोई जिले के डीएम पुलकित खरे को हटाने के विरोध में जिले के युवाओं ने सोशल मीडिया पर डीएम हरदोई के समर्थन में एक कैंपेन चला दी है। डीएम पुलकित खरे के समर्थन में चलाई जा रही कैंपेन को सोशल मीडिया पर लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है और लोग अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट शेयर कर डीएम हरदोई की खूबियां गिनाते हुए उनका खुलकर समर्थन करने में जुट गए हैं। डीएम पुलकित खरे के समर्थन में सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि कुछ लोगों ने तो होर्डिंग बार समर्थन करना भी शुरू कर दिया है। डीएम हरदोई के समर्थन में नगर के कई स्थानों पर कुछ लोगों के द्वारा होर्डिंग टंगवाकर अपने समर्थन को दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर डीएम पुलकित खरे के समर्थन में चलाई जा रही इस कैंपेन के पीछे संडीला के डॉक्टर शरद बैस का निलंबन है। दरअसल संडीला सीएससी अधीक्षक शरद बैस को न्यायालय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में शासन के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया है। इसी कारण प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने डीएम पुलकित खरे को पद से हटाने का शासन को पत्र लिखकर सामूहिक इस्तीफा देने की धमकी दे डाली है। लेकिन इस पत्र के सामने आने के बाद हरदोई के नागरिकों ने डॉक्टरों की मांग को ही गलत ठहराते हुए डीएम के समर्थन में एक सोशल मीडिया कैंपेन चला दी है। अब आगे देखना होगा कि डीएम पुलकित खरे व डॉक्टरों के बीच चल रही यह खींचतान आखिर कितनी देर तक चल पाती है और कौन इसमें बाजी मारता है। कुछ भी हो लेकिन हरदोई के आम लोगों की ओर से चलाई जा रही इस सोशल मीडिया कैंपेन से डीएम पुलकित खरे के कार्यों को पूरा समर्थन तो मिलता दिख ही रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे।